क्रिस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप बना रही, कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो इनकी जो शनि फिंगर है काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, और बाकी इनकी फिंगर्स मीडियम लेंथ में हैं। जैसे इनकी सूर्य फिंगर और बृहस्पति फिंगर आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ करके। यह बृहस्पति फिंगर कहलाती है और यह जो फिंगर है जिसको अपोलो या सूर्य फिंगर कहते हैं, दोनों की लंबाई में यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की लंबाई लगभग एक समान होती हुई। सूर्य फिंगर हल्की सी ज्यादा लेंथ में, जिसकी वजह से काफी अच्छी क्रिएटिविटी और काफी अच्छा सोशल सर्कल ऐसे नेटिव का रहता है। और अगर हम बात करें गुरु फिंगर की लेंथ यहाँ पर काफी अच्छी है। बृहस्पति फिंगर अगर अच्छी लेंथ में हो तो नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहती हैं, स्पिरिचुअलिटी का लेवल काफी अच्छा रहता है। शनि फिंगर की हम बात करें यहाँ पर, शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पर किसी तरह की कोई भी कमी इस फिंगर में नजर नहीं आ रही। बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर होने की वजह से नेटिव हार्डवर्किंग नेचर का होता है, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला होता है, और लाइफ में अपनी इसी क्वालिटी की वजह से काफी अच्छी प्रोग्रेस भी पा लेता है। अब बात करते हैं इनकी सबसे छोटी उंगली यानी कि मर्करी फिंगर की। यह फिंगर मर्करी फिंगर कहलाती है, हल्की सी लो सेट जरूर हो रही है यह फिंगर इनके हाथ में, लेकिन लंबाई में अगर देखा जाए तो टॉप फैलेंज जो यह फैलेंज रहता है सूर्य फिंगर का, यहां तक इस फैलेंज तक यह मर्करी फिंगर पहुंचती हुई जो यहाँ पर दर्शा रही है काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को भी। बेशक थोड़ी शाई नेचर भी रहेगी लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होती नजर नहीं आ रही। बात करते हैं फिंगर्स के बीच में बने वाले गैप्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा गैप्स नहीं, बहुत ही हल्का सा एक गैप नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल फिंगर्स आपस में बिल्कुल सटी हुई हैं, जिस वजह से मनी मैनेजमेंट ऐसे व्यक्ति की अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति अपनी इसी मनी मैनेजमेंट की क्वालिटी की वजह से काफी अच्छा धन संग्रह करने में कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद इनकी सभी रेखाओं को भी यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट, शनि माउंट और गुरु माउंट तीनों हाई सेट हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस में कोई कमी नहीं है, तीनों माउंट्स को बहुत अच्छी स्पेस मिल पा रही है। और यह जो माउंट है जिसको मर्करी माउंट कहते हैं, यह यहाँ से थोड़ा सा लो सेट हो रहा है। मर्करी माउंट अगर लो सेट हो तो नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रह सकती है, या ये कहें कि कम्युनिकेट करते वक्त कई बार व्यक्ति को सही समय पर सही शब्द ही नहीं मिल पाते, जिस वजह से कम्युनिकेशन में भी कई बार थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फिंगर की लंबाई काफी अच्छी है, मर्करी फिंगर अच्छी लेंथ में है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी हेजिटेशन वाली नेचर यहाँ पर रहने की संभावना भी रह सकती है। चलिए आगे देखते हैं इनके बाकी के सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को। तो ओवरऑल यह माउंट थोड़ा सा लो सेट है, लेकिन कोई भी नेगेटिव चिन्ह इस माउंट के ऊपर नहीं है, मर्करी माउंट के ऊपर। और सूर्य माउंट की अगर हम बात करें, सूर्य माउंट पर आपको कुछ एक से ज्यादा ऐसी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं अगर एक से ज्यादा किसी भी माउंट के ऊपर मौजूद हो तो यह डाइवर्सिफिकेशन को इंडिकेट करती हैं। सूर्य जो कि क्रिएटिविटी के कारक हैं, सूर्य माउंट के ऊपर एक से ज्यादा रेखाओं का होना यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, एक ही समय में एक से ज्यादा तरह के कार्य करने की क्षमता इनके भीतर रहती है, और क्रिएटिविटी के एक से ज्यादा तरह की नॉलेज इनको रहेगी, क्रिएटिव टाइप का माइंड रहेगा, लेकिन फोकस में कमी आ जाती है जब इस तरह से काफी सारी रेखाएं किसी व्यक्ति के सूर्य माउंट के ऊपर मौजूद हों, तो ऐसा नेटिव
किसी एक फील्ड में ज्यादा फोकस नहीं कर पाता, जिस वजह से करियर का चुनाव करने में भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ओवरऑल यहाँ पर सूर्य माउंट फ्लैट है, जिस वजह से बहुत ज्यादा यश मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प करें लेकिन उस हेल्प को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, इस तरह से यश मिलने में थोड़ी सी दिक्कत भी ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती है। अगर हम बात करें इनके शनि माउंट की, यह जो एरिया है जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, यह शनि का एरिया कहलाता है। हल्का सा फ्लैट शनि माउंट दर्शाता है हार्डवर्किंग नेचर को, या दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसे नेटिव को थोड़ा सा हार्डवर्क करना ही पड़ता है, क्योंकि यह माउंट अगर ऊपर की तरफ उठा हुआ हो या एक अच्छी लंबी शनि रेखा यहां तक पहुंच रही हो तो व्यक्ति को ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। आपको बताना चाहूंगा किस शनि रेखा की मैं बात करूं। जैसे आप यहां पर एक रेखा देख सकते हैं, कुछ इस तरह से यह रेखा ऊपर की तरफ बढ़ रही है लेकिन आगे यह नजर नहीं आ रही है किसी व्यक्ति के हाथ में। यह रेखा इस तरह से शुरू होकर हथेली के मिडल से शुरू हो जाए या इस एरिया से शुरू हो जाए या चंद्र एरिया से शुरू हो जाए, यह कंप्लीटली शनि माउंट तक पहुंच रही हो, तब संघर्ष में कमी आती है, नेटिव को कंफर्टेबल लाइफ मिल जाती है, सारा कुछ बड़ी इजीली मिल जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब शनि रेखा शॉर्ट हो तो नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है, काफी मेहनत लाइफ में रहती है, हार्ड वर्क रहता है। तो इसी तरह की कुछ स्थितियां यहां पर मुझे नजर आ रही हैं इनकी शनि रेखा से और शनि माउंट से। अब बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। गुरु माउंट के ऊपर अगर देखा जाए तो एक फिश जैसा सिंबल बनता हुआ नजर आ रहा है और हार्ट लाइन की एक ब्रांच यहां तक पहुंच रही है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा इस तरह का एक चिन्ह इनके बृहस्पति माउंट के ऊपर बनता हुआ, स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी हो जाती हैं जब इस तरह का कोई चिन्ह, कोई भी बेनिफिक चिन्ह इस माउंट के ऊपर हो। नॉलेज को बढ़ाता है और धर्म कर्म के काम करने की प्रवृत्ति व्यक्ति के भीतर मिडिल एज से जागृत हो सकती है, इस तरह की संभावनाएं रहने की यहाँ पर संभावना है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक हल्की सी प्रोग्रेस लाइन आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी, इस तरह की रेखाएं हो। और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ रेखाएं बढ़ रही हैं, लाइफ लाइन से जितनी भी रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हैं या प्रोग्रेस लाइंस कहलाती हैं, और इस तरह की अगर कोई रेखा गुरु माउंट के ऊपर भी पहुंच रही हो तो यह बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहता है। अब बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी हार्ट की लाइन को, काफी क्लियर हार्ट की लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई हार्ट की लाइन, और इसी रेखा से एक ब्रांच निकल रही है दोस्तों, वो पहुंच रही है गुरु माउंट के ऊपर। अब देख सकते हैं यहां से एक ब्रांच इस तरह से गुरु माउंट के ऊपर और एक विष्णु चिन्ह यहां पर बनता हुआ, इस तरह का जो वी सिंबल बन जाता है इसको विष्णु चिन्ह का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों के हाथ पर इस तरह का चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में गलत तरीके से यानी कि अनफेयर मीन से धन कमाने की कोशिश करें तब कामयाबी नहीं मिल पाती, रुकावटें आ जाती हैं रास्ते में और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जिनके भी हथेली पर इस तरह का बाइफोर्क चिन्ह बनता है हार्ट लाइन के अंत में, उन्हें हमेशा मैं यही सुजेस्ट करता हूं कि लाइफ में ईमानदारी से ही धन कमाएं, सही तरीके पर चलते रहें और लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस आपको जरूर मिलेगी। और एक ब्रांच का इस तरह से निकलकर थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकना व्यक्ति को थोड़ी अग्रेसिव नेचर भी देता है। ओवरऑल यह ब्रांच मंगल पर नहीं पहुंच रही है, बृहस्पति माउंट के ऊपर ही, यह जो एरिया है इस फिंगर के नीचे का इसको गुरु माउंट कहते हैं, गुरु माउंट पर ही यह ब्रांच पहुंच रही है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति काफी लॉयल एंड ऑनेस्ट भी होते हैं और स्पिरिचुअलिटी के मामले में भी काफी लकी होते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज इनके भीतर रहेंगी। उसके साथ साथ आपको कुछ हल्की छोटी छोटी ब्रांचेस इनके हार्ट लाइन से नीचे की तरफ चलती नजर आएंगी, ऐसी ब्रांचेस इमोशनल टाइप की नेचर को, इमोशनल सेटबैक्स को दर्शाती हैं लाइफ में, उन्हीं लोगों से धोखा मिलने के चांसेस भी रहती हैं जिनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट व्यक्ति करता है। हार्ट लाइन के साथ साथ एक ऐसी रेखा का चलना, यह जो बहुत ही हल्की सी रेखा है गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन इसको हम कहते हैं, नेटिव को मूडी नेचर का भी बनाती है। और हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, अगर आप देखोगे तो हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, जिस वजह से प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी, लेकिन इस तरह की ब्रांच होने की वजह से
थोड़े इमोशंस ऐड हो जाते हैं और मूडी टाइप की नेचर होने की संभावना को भी यहाँ पर हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। अब माइंड की लाइन को अगर देखें तो आपको नजर आएगा माइंड की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम माइंड की लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। एक लंबी माइंड की लाइन जो इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति का माइंड शार्प रहता है, अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में प्रोग्रेस पाने में भी ऐसा व्यक्ति कामयाब होता है। और अगर हम बात करें फेट लाइन की तो यहाँ फेट लाइन लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई 35 के आसपास की एज तक या फेट लाइन काफी हेल्प करती है। उसके बाद फेट लाइन का यहाँ से डिसअपियर होना इंडिकेट करता है कि 36 प्लस की एज में थोड़ी स्ट्रगल बढ़ेगी, क्योंकि इस एज में यहाँ पर अगर एक रेखा मौजूद होती तो बेहतर रिजल्ट देती। यहाँ पर इस एरिया में फेट लाइन का ना होना नेटिव को कंफर्ट जोन से निकलकर मेहनत करने की तरफ लेकर जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के जरिए सब कुछ हासिल कर पाता है, अपने हार्डवर्क और अपने स्ट्रगल की वजह से लाइफ में काफी अच्छी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। लाइफ की लाइन की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी लाइफ की लाइन, यहाँ पर कुछ ऐसी ब्रांचेस लाइन से ऊपर की तरफ चलना जो इंडिकेट करती है काफी अच्छी प्रोग्रेस को मिडिल एज में। और अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग 75 के आसपास की एज यह रेखा इंडिकेट कर रही है, लेकिन दोस्तों यह एग्जैक्टली कह पाना कि एज लाइन जो है इतनी ही रहेगी तो यह कह पाना गलत होगा, क्योंकि यह रेखाएं बढ़ती हैं या घटती हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। तो अगर यह रेखा और डेवलप हो जाती है तो यह एज जो है 80 तक भी जा सकती है। ओवरऑल यहां पर भी यह 75 के आसपास की एज को दर्शाती हुई इनकी लाइफ लाइन नजर आ रही है। और अगर हम बात करें वीनस माउंट की, वीनस माउंट बहुत अच्छा नजर आ रहा है यहाँ पर। वीनस माउंट अगर इस तरह से हो और उभरा हुआ हो तो नेटिव थोड़ा खर्चीले स्वभाव का हो सकता है। इस तरह का वीनस माउंट होने से नेटिव ओवर एक्सपेंस भी कर सकता है, लग्जरी चीजों के ऊपर ब्रांडेड चीजों के ऊपर खर्चे कर सकता है, जिस वजह से कई बार धन का रुकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इन्हें बैलेंस बनाना होगा अपने खर्चों के ऊपर, अदरवाइज हर तरह की सुख सुविधाएं इनको लाइफ में मिलती रहेंगी। चंद्र माउंट की अगर हम बात करें तो चंद्र माउंट का जो एरिया है बिल्कुल क्लियर है, कोई भी नेगेटिव चिन्ह यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। इस तरह की रेखाएं यहाँ से ऊपर की तरफ चलती हुई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को इंडिकेट करती हैं। कुछ छोटी रेखाएं, इस तरह की हल्की रेखाएं इस एरिया में मौजूद होना इंडिकेट करता है थोड़ी एंग्जाइटी को, अदरवाइज कोई मेजर इशू यहाँ पर इनके मून माउंट से नजर नहीं आ रहा। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।